गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड क्लास का साइंस का चैप्टर वन। तो देखो बेटा, सेकेंड क्लास है, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक में या फोर्थ तक में साइंस या ईबीएस एक ही होता है, मतलब कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसमें हम देखो साइंस में हम क्या पढ़ेंगे आज, पहला चैप्टर जो कि है प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ के जो पेड़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे पेड़ होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, किसको क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो लिखा है वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, किस टाइप के प्लांट है, पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो हरे पेड़ होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर प्लांट्स की जिंदगी कैसी होती है वो सब पढ़ेंगे, उसके अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पे एक प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है, उसको बोला है कि उसके पार्ट को रिकनाइज करो और बताओ। तो आप देख सकते हो ये फ्रूट है, ठीक है, ये फ्लावर है, ये भी ये रहा, ये फ्लावर है, ये लीव्स है उसके, ये उसके रूट है, और ये जो जा रहा है ना नीचे से रूट से जुड़ा हुआ बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है, ये उसका स्टेम है, मतलब कि तना है। तो ये सारी चीजें हैं हम पढ़ेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ प्लांट्स में देखो क्या है, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्टेम, उनके आकार और उनके तने की वजह से प्लांट्स अलग अलग टाइप्स में बटे हुए हैं। तो आप देखो बेटा इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ट्रीज, या जिसको हम पेड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रीज, या जिसको हम पेड़ कहते हैं। तो देखो लिखा है अ ट्री इज अ बिग, क्या लिखा है बेटा, अ ट्री इज अ बिग एंड टॉल प्लांट, जो पेड़ होता है बड़ा होता है और लंबा, मतलब कि बहुत ही ऊंचा भी होता है। इट हैज अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक, इसका जो स्टेम है, मतलब कि स्टेम का मतलब बेटा देखो यहाँ पे स्टेम का मतलब है तना, क्या है स्टेम का मतलब, तना, जो पेड़ को सीधा खड़े रखने में मदद करता है। तो बेटा इसका जो स्टेम है वो क्या है, हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि इसका जो स्टेम है वो कैसा है, यहाँ पे देखो हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि बहुत ही सख्त है और मजबूत है, तो इसको ट्रंक कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रंक, जैसे हाथी की सूंड होती है ना बेटा ट्रंक कहते हैं उसको भी, तो इसको भी ट्रंक कहते हैं, जो मोटा सा होता है। लिखा है दे लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, और उनके एग्जाम्पल बेटा क्या क्या दिया है, मैंगो, बनियान, नीम, मतलब कि बेटा आम का पेड़, बरगद का पेड़ और नीम का पेड़ वगैरह वगैरह। उसके बाद देखो श्रब्स किसे कहते हैं, एक हुआ ट्री, अब हुआ श्रब्स। श्रब्स बेटा श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ, जितने भी पेड़ झाड़ियोंदार होती है ना उनको श्रब्स कहते हैं, ठीक है। लिखा है श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स, जो श्रब्स होते हैं वो छोटे पेड़ होते हैं, दे आर बूसी, देखो बूसी का मतलब यहाँ पे क्या है, दे आर बूसी का मतलब है कि झाड़ीदार है, उनमें बहुत झाड़ियाँ होते हैं वो, दे हैव वुडी स्टेम, उनकी जो तना होता है ना वो लकड़ी जैसा होता है, मजबूत होता है लेकिन ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, रोज, हिबिस्कस, कॉटन, बेटा गुलाब का पेड़ देखा होगा, ठीक है, गुड़हल का देखा होगा, या कॉटन, कपास का देखा होगा, ये सारे जो पेड़ होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जो झाड़ियोंदार होते हैं, ठीक है, 3 फीट, 4 फीट या 5-6 फीट तक भी होते हैं, वो जो उतने ऊंचे जो पेड़ होते हैं ना उनको श्रब्स कहते हैं, मतलब कि वो झाड़ियां होती हैं। उसके बाद देखो एक है हर्ब्स, क्या है, हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब क्या होता है बेटा, लिखा है हर्ब्स आर स्मॉल एंड सीजनल प्लांट, ये छोटे होते हैं, और सीजनल प्लांट का मतलब बेटा ये क्या है, मौसम के हिसाब से उगते हैं, ठीक है, सर्दियों में अलग उगेगा, ठीक है, बारिश में अलग उगेंगे, गर्मियों में अलग उगेंगे, इनको हर्ब्स कहते हैं। क्या है इनमें, दे हैव सॉफ्ट स्टेम, इनका जो स्टेम है मतलब कि इनका जो तना है कैसा है, सॉफ्ट है। देखो ट्री का जो स्टेम था वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, इसका वुडी था, और इसका क्या है, सॉफ्ट है, बहुत ही नरम होते हैं, हल्के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर, बेटा कोरिएंडर का मतलब धनिया, धनिया का जो आप बाजार में जाते हो मार्केट में सब्जी वब्जी खरीदने हैं, तो धनिया का पत्ते भी देखते हो कि नहीं,
या मिंट? बेटा मिंट यहाँ पे पुदीना के पत्ते से है, और लोटस या कमल का जो फूल है उसके भी, उसके जो इन सब के जो तने होते हैं ना बेटा, बहुत ही नरम होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं। इनको हर्ब्स कहते हैं बेटा, हिंदी में इनको जड़ी बूटी भी कह सकते हो, जिनसे दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती है उनको जड़ी बूटी कहते हैं ना, तो उनको हर्ब्स कहते हैं। इनको हम आसानी से जमीन से क्या कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। ठीक है, लिखा है एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया है फैक्ट, द बनाना ट्री इज नॉट अ ट्री एट ऑल, इट इज अ हर्ब। देखो बनाना ट्री जो है वो हर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसका जो तना होता है बहुत ही क्या होता है, नरम होता है। आप चाहो कि कोई भी केले का पेड़ को अगर हिला के या उसको धकेल के आप उसको उखाड़ सकते हो, ठीक है, इट इज द बिगेस्ट हर्ब। तो इसका मतलब कि जो बनाना ट्री है वो सबसे बड़ा क्या है, हर्ब्स होता है। वो बड़े होते हैं लेकिन वो उनके जो स्टेम है वो सॉफ्ट होने की वजह से वो क्या है, हर्ब्स में आते हैं। उसके बाद देखो बेटा क्या है आगे, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब क्या होगा बेटा, क्लाइंबर्स वो पेड़ होते हैं, वो पौधे होते हैं जो चढ़ते हैं। कहने का मतलब लिखा है, क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स, इनके जो तने होते हैं ना बेटा वो बहुत ही कमजोर होते हैं। दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स लाइक प्लांट्स, वॉल और स्टिक टू ग्रो। आपने देखा होगा कि कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो दीवारों पे फैल जाते हैं, दीवारों के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ठीक है, या किसी डंडी के सहारे, या किसी पेड़ के ऊपर भी रह सकते हैं, वो किसी पेड़ के ऊपर भी बढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं दूसरा कोई पेड़, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, क्लाइंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पी प्लांट। पी प्लांट मतलब बेटा मटर का जो पौधा होता है ना, मटर का, वो भी वैसा ही होता है। मनी प्लांट आपके घरों में देखा होगा, मनी प्लांट वगैरह, या ग्रेप वाइन मतलब कि जो अनार के जो गुच्छा होता है, मतलब कि अनार के जो पेड़ होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। क्लाइंबर मतलब कि ये क्या करते हैं, ये किसी के सहारे चढ़ के ये आगे बढ़ते हैं और बड़े होते हैं। उसके बाद देखो क्रीपर क्या है बेटा, क्रीपर लिखा है, क्रीपर डू नॉट क्लाइंब अप, इंस्टेड दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड टू स्प्रेड आउट। जो क्रीपर होते हैं ना बेटा, क्रीपर क्या है, डू नॉट क्लाइंब अप मतलब वो चढ़ते नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, इंस्टेड दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड टू स्प्रेड आउट। वो बढ़ने के लिए क्या करते हैं, जमीन के सहारे ही रेंगते रहते हैं, ठीक है, ये क्या है, रेंगते रहते हैं, ये रेंगने वाले हैं सारे पेड़। कहने का मतलब आप देखो यहाँ पे, ये देखा पंपकिन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वाटरमेलन का, बिटर गॉर्ड का, या पंपकिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रीपर में। तो आप देखो पंपकिन का देखा, सीताफल का जो पेड़ होता है पंपकिन, वो क्रीपर है, क्योंकि उसके इसको लता कहते हैं। क्या कहते हैं इन सारे पेड़ों को, क्रीपर्स को लता कहते हैं। लताओं की तरह ये क्या होते हैं, फैल जाते हैं जमीन में ही, जमीन के सतह से ऊपर ऊपर फैलते जाते हैं। तो आप पंपकिन को देखोगे, पंपकिन का जो पेड़ होता है वो भी ऐसे ही फैलता जाता है, या वाटरमेलन का जो होता है वो भी ऐसे ही फैलता जाता है, ठीक है, और बिटर गॉर्ड भी। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखो हर्ब्स, हर्ब्स में लोटस आता है, जो पद्म फूल होता है, ठीक है, या कमल फूल, उसको हर्ब्स कहते हैं, मतलब कि वो हर्ब्स में आता है। जो मिंट है पुदीना, वो भी हर्ब्स में आता है। जो पंपकिन है वो क्रीपर में आता है। फिर यहाँ पे देखो मनी प्लांट, जो मनी प्लांट है वो क्लाइंबर में आता है। यहाँ पे डंडा लगा होता है बेटा, वो डंडे के सहारे ऊपर चढ़ता है, या किसी दीवार वगैरह पे भी उसके सहारे भी ऊपर चढ़ता है वो। उसके बाद यहाँ पे देखो हिबिस्कस, ये जो हिबिस्कस का फूल है इसको श्रब्स कहते हैं, क्योंकि ये झाड़ियोंदार होते हैं, गुच्छेदार, ठीक है। फिर ये क्या है, ये ट्री है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, और इसका जो ट्रंक है ये देख रहे हो कितना मोटा है, ये जो ट्रंक है बहुत ही मोटा है और हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये बनियान ट्री या बरगद का पेड़ इसको कहते हैं। फिर देखो बेटा प्लांट्स के पार्ट क्या है, हमने देखो चैप्टर में जब स्टार्टिंग में आपने देखा उसमें कि अलग अलग पार्ट्स कहने के लिए कह रहा था, लिखने के लिए, तो उसमें देखो क्या होता है, पहला जो दिया गया है नीचे से दिया गया है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो सबसे नीचे बेटा रूट होते हैं, सबसे नीचे क्या होते हैं उसके जड़ होते हैं, ठीक है, रूट्स। तो लिखा इट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड, ये जमीन को क्या, जमीन में क्या करता है, पेड़ को
बिल्कुल फिक्स कर देता है ताकि पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा रह सके, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल टू द प्लांट, ये पेड़ को क्या देता है, इट प्रोवाइड्स वाटर, पानी देता है और मिनरल भी देता है, मतलब कि खनिज लवण भी देता है ताकि पेड़ क्या हो सके, पेड़ अच्छे से बढ़ सके। उसके बाद लिखो स्टेम, स्टेम का मतलब तना होता है, तना मतलब कि ये जो चीज, ये जो यहाँ से रूट से ऊपर की तरफ ये जो चीज जा रही है ना, ये जो बिल्कुल ऊपर तक गई हुई है, ये है तना उसका, ये पेड़ को सीधा रखने में मदद करता है। इट इज द पार्ट दैट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये वो पार्ट है जो क्या कैरी करता है, जो पूरे पेड़ों तक पानी या खाना पहुंचाता है, पेड़ के हर एक हिस्से तक पानी या खाना कौन पहुंचाता है, स्टेम या तना। उसके बाद लीव्स या पत्ते, इट इज ग्रीन एंड फ्लैट पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, कहने का मतलब जो घर का खाना है, मतलब जो पेड़ का खाना है वो कौन बनाता है, मेक्स फूड, कौन खाना बनाता है, लीव्स या पत्ते। उसके बाद फ्लावर क्या करेगा, इट इज द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस फूड फ्रूट्स, मतलब फ्लावर का काम है फल देना, मतलब कि पहले फूल खिलेगा उसके बाद उसमें से क्या निकलेगा, फल होएगा उसमें से, और फल में क्या होता है फ्रूट का, इट इज द पार्ट दैट हैज सीड्स, फल में बीज होते हैं, जो फल आप एप्पल खाओगे, कोई भी वाटरमेलन खाओगे, कुछ भी खाओगे, कोई भी फल या फ्रूट, उसके अंदर बीज होते हैं कि नहीं, सीड्स, तो सीड्स होते हैं। उसके बाद क्या है, सीड क्या करता है, इट इज दैट पार्ट फ्रॉम विच अ बेबी प्लांट ग्रो, इट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट, कहने का मतलब ये वो पार्ट है जिसकी मदद से कोई भी एक छोटा पौधा बढ़ता है, कहने का मतलब अगर हम सीड्स को जमीन में गाड़ देंगे या बोएंगे तो उसमें से एक छोटा पौधा निकलेगा, फिर वो बड़ा होके पेड़ भी बनेगा, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं। यहाँ पे है कि जो क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, देखो हमने भी ये पढ़ा कि जो लीफ है मतलब जो पत्ता है वो क्या करता है, खाना बनाता है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि वो कैसे बनाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, क्या लिखा है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे लिखा है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से, कौन कौन सी तीन चीज है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे इसको फोटोसिंथेसिस इफेक्ट कहते हैं, तो आप अगली क्लास में पढ़ना अच्छे से। तो यहाँ पे देख लो, प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन रूट्स, कहाँ कहाँ प्लांट जो है अपना एक्स्ट्रा जो खाना है वो कहाँ स्टोर करता है, यहाँ पे लिखा है प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन, अपने जड़ों में, अपने तने में, अपने पत्तों में और अपने फल और बीज में, एक्स्ट्रा जो खाना होता है वो वहीं पे स्टोर करता है। अब प्लांट के लाइफ क्या है, लिखा है सम ट्रीज लाइक नीम एंड बनियान लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे कि नीम का कोई पेड़ हो गया या कोई बनियान मतलब बरगद का पेड़ हो गया, ये कुछ 100 साल तक जिंदा रहते हैं। सम प्लांट्स लाइक सनफ्लावर पी एंड राइस लिव ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे कि सनफ्लावर या मटर या राइस मतलब कि धान के जो पेड़ होते हैं वो कुछ महीने तक ही जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से रिकैप में देखो बेटा, हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि देर आर मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स लाइक ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर, ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं और क्रीपर्स होते हैं, ठीक है। और हमने कौन कौन से पार्ट पढ़े प्लांट के, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये उसके डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हो गए। फिर ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, हमने ये भी पढ़ा कि ग्रीन प्लांट्स अपने खाना खुद बनाते हैं, तो वो तो बेटा हमने पढ़ लिया चैप्टर। उसके बाद आप देखो इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो बता दूं कि जो बिटर गॉर्ड है वो क्या है, कि वो एक क्रीपर है, तो क्या है, बिटर गॉर्ड एक क्रीपर है।
तो बेटा आपने जो पढ़ा बिटर गॉर्ड क्या है, क्रीपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो करेले का जो पेड़ होता है ना वो एक क्रीपर है, मतलब कि वो लता है, मतलब कि वो नीचे जमीन से होते हुए नीचे ही नीचे रेंगते हुए बढ़ता है। यहाँ पे देखो रोज क्या है, रोज इज अ श्रब प्लांट, रोज क्या है, श्रब है। देखो रोज हर्ब्स तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटा तो होता नहीं है, और ट्री भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा भी नहीं होता, इसीलिए वो क्या होगा, श्रब प्लांट, मतलब कि झाड़ियों दार होता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन क्या है, फूड, ग्रीन प्लांट्स अपने खाना खुद बनाते हैं। क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर वो प्लांट है मतलब वो पेड़ है जो जमीन के साथ उगते हैं, जमीन के साथ साथ उगते हैं या बढ़ते हैं। कोरिएंडर क्या है, मैंने बताया था पढ़ाते टाइम, जो धनिया होता है वो एक हर्ब्स है, मतलब कि वो लता में आता है, जड़ी बूटी में, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, नीम ट्री लिव्स फॉर अबाउट 6 मंथ, जो नीम का पेड़ है वो 6 महीने तक जिंदा रहता है, ये गलत है बेटा, हमने अभी पढ़ा कई सौ साल तक भी जिंदा रहता है। पूछ रहा है हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम, क्या पूछ रहा है, हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम, हाँ ट्रू है, हर्ब्स के स्टेम ट्रू मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। फिर पूछ रहा है पी इज अ क्रीपर, पी क्या है, एक मटर, जो मटर का जो पेड़ है वो क्रीपर है, नहीं बेटा वो क्रीपर नहीं है, ठीक है, वो क्लाइंबर है तो क्रीपर नहीं है। श्रब्स आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट, जो श्रब्स होते हैं वो बड़े लंबे और मजबूत होते हैं, गलत है, वो तो मजबूत बिल्कुल नहीं होते, वीक स्टेम होता है उनमें। अब देखो क्रीपर क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ये सही है, जो क्रीपर होता है वो जमीन के साथ साथ रेंगते हुए जाते हैं, रेंगते हुए बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में, अ डैश इज अ बिग एंड टॉल प्लांट, क्या होगा, ट्री, तो जो जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया है वही है आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, ट्रीज के मुकाबले श्रब्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर एंड सीजनल प्लांट्स, जो हर्ब्स होते हैं वो छोटे और वो मौसम के हिसाब से बढ़ने वाले पौधे होते हैं। फिर देखो प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स आर कॉल्ड, वो प्लांट जो दूसरे चीजों की जरूरत के बिना नहीं बढ़ सकता उनको क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं, ठीक है। द डैश फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड, जमीन में कौन फिक्स हो जाता है, मतलब कौन मजबूती से खड़ा रहता है, रूट, बेटा जो रूट होता है, जड़ होता है वो प्लांट्स का, वो पहले खड़ा होगा जमीन में, उसके बाद उसका स्टेम खड़ा होगा, ठीक है। आगे देखो, देखो बेटा यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फिर वाटर प्लांट और डेजर्ट प्लांट के बारे में बताया गया है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसको मैंने कर दिया है यहाँ पे, आप देखोगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो क्या है ये, यहाँ पे सबसे पहले आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखो, क्या देखो बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अब देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, वाटर प्लांट मतलब कि पानी में जो प्लांट्स उगते हैं ना उसके उसके बताने हैं आपको एग्जाम्पल, तो एक हो गया वाटर लिली, एक लोटस हो गया, फिर डेजर्ट प्लांट मतलब रेगिस्तान इलाके में जो उगता है उनके दो नाम लिखो, एक है कैक्टस एक है पालम, ठीक है, या पाम। उसके बाद देखो क्रीपर्स, वाटरमेलन और बिटर गॉर्ड, ठीक है वो क्रीपर क्योंकि ये रेंगते हुए बढ़ते हैं। फिर ट्री किसे कहते हैं, पेड़, नीम या मैंगो, या यहाँ पे तुम बनियान भी लिख सकते हो। श्रब्स मतलब झाड़ियों दार जो पेड़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, कौन कौन से हैं वो, एक कॉटन है, कपास, और या हिबिस्कस या जिसको गुड़हल कहते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखो, हाउ आर क्लाइंबर डिफरेंट फ्रॉम क्रीपर, क्लाइंबर क्रीपर्स के मुकाबले अलग कैसे हैं, ठीक है। देखो क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम, जो क्लाइंबर होते हैं उनके तना बहुत ही कमजोर होता है, दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स लाइक प्लांट्स वॉल्स और स्टिक टू ग्रो, वो किसी और चीज के सहारे बढ़ते हैं, कैसे, क्या किसी दूसरे पेड़ के ऊपर भी बढ़ सकते हैं, किसी दीवार के सहारे या किसी डंडे के सहारे। उसके बाद लिखा है क्रीपर्स डू नॉट क्लाइंब अप, क्रीपर बढ़ते हैं वो मतलब क्रीपर चढ़ते नहीं हैं, उसके मुकाबले वो क्या करते हैं, जमीन के साथ साथ रेंगते रहते हैं और रेंग मतलब बढ़ते रहते हैं, जमीन के साथ साथ बढ़ते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। अब देखा व्हाट टाइप ऑफ प्लांट हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम, कौन से प्लांट्स के जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है और वीक होता है। देखो हर्ब्स और क्लाइंबर का जो है,
हर्ब्स का भी सॉफ्ट और वीक होता है, और क्लाइंबर्स का भी क्या होता है, सॉफ्ट और वीक होता है। ठीक है, पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड, कौन सा प्लांट का पार्ट है जो अंडरग्राउंड में बढ़ता है। तो बेटा अंडरग्राउंड में तो सिर्फ उसका जड़ रहता है, मतलब कि उसका रूट, ठीक है लिखा। तो रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अंडरग्राउंड। उसके बाद देखो लॉन्ग आंसर टाइम में बोला है नेम द फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन द साइज एंड टाइप ऑफ स्टेम, और उसके एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे पहला है ट्री, ट्री का क्या होगा मैंगो एंड बनियान, और श्रब्स का क्या होगा रोज एंड हिबिस्कस, हर्ब्स का क्या होगा कोरिएंडर एंड मिंट, क्लाइंबर्स का क्या होगा पी एंड मनी प्लांट, और क्रीपर्स का क्या होगा वाटरमेलन एंड बिटर गॉर्ड। कहने का मतलब बेटा मैं एक बार नाम ले लूँ, आम का पेड़ और बरगद का पेड़ ये ट्री में आते हैं, श्रब्स में किस में आते हैं, श्रब मतलब बेटा झाड़ियादार होते हैं जैसे कि रोज हमारा गुलाब का पेड़ या हिबिस्कस या गुड़हल का पेड़, हर्ब्स मतलब बेटा जो जड़ी बूटी होते हैं वो, तो एक होगा धनिया कोरिएंडर और एक होगा पुदीना। ठीक है, फिर क्लाइंबर मतलब कि जो चढ़ते हैं वो क्या है, एक है मटर और एक है मनी प्लांट, फिर ए क्रीपर मतलब कि जो रेंगते हुए जाते हैं या लता कहते हैं उन्हें, एक हो गया वाटरमेलन, ठीक है तरबूज का पेड़, और फिर क्या हो गया बिटर गॉर्ड मतलब कि करेले का पेड़। अब पूछ रहा है राइट द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट और राइट द फंक्शन ऑफ एनी वन पार्ट। सबसे पहले कौन कौन से प्लांट के पार्ट होते हैं, मैंने बताया था आपको रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीफ होता है और फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, सीड होते हैं। ठीक है, फिर फंक्शन क्या है, यहाँ पे सीड का फंक्शन है, सीड मतलब कि बीज जो होता है ना वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इट इज़ द पार्ट फ्रॉम विच अ बेबी प्लांट ग्रो, ये वो हिस्सा है बेटा, ये वो मतलब अंग है जिससे एक छोटा सा नया पेड़ उगता है, इट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट, ये कहाँ पे होता है फल में होता है। फिर पूछा तीसरा क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच आर नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड, वेयर डू प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड। तो पूछ रहा है कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो एक पड़ती है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, फिर एक्स्ट्रा फूड वो अपने कहाँ स्टोर करता है, लिखा इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड इन रूट्स स्टेम्स लीव्स फ्रूट्स एंड सीड्स, ये कहाँ कहाँ अपने जड़ों में, अपने तने में, अपने पत्तों में, अपने फल में और अपने बीजों में, ये क्या करता है एक्स्ट्रा जो खाना है उसको स्टोर करता है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या करा आपको चैप्टर पढ़ाया, इस चैप्टर के एक्सरसाइज कराए, ये देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो गया। तो ठीक है बेटा, अब मैंने ये सारा करा दिया है, तो आप क्या करें, आप इस चैप्टर को पढ़िए अच्छे से, समझिए, इसको कॉपी में लिखिए। ओके बेटा, ठीक है बेटा, गुड बाय बेटा, टेक केयर।